हेलो फ्रेंड्स फैंस, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है जिस वजह से मुझे बिग बॉस का घर छोड़ना पड़ा। और मुझे वो लोग आने नहीं दे रहे थे जिस वजह से मुझे सलमान जी के साथ ऐसे बिहेवियर करना पड़ा। सलमान जी ने मुझे बोला कि आप घर रुको, लेकिन मैं नहीं चाहती थी उस घर में रुकना। मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं रुक भी जाती उस घर में, बट मुझे डॉक्टर्स फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। मुझे बिग बॉस जो खाना दे रहे थे वो उन्होंने फिर बंद कर दिया। उन्होंने स्पेशल बोला कि प्रियंका को अब अनुमति नहीं है बाहर से खाना खाने की। तो मेरी लाइफ में मेरी मेरी मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और मैंने उनको सीक्रेट रूम में भी बोला था कि सर मुझे इस घर में दोबारा नहीं जाना है। मैंने सलमान सर को भी बोला था, सर मैंने ये चीज़ पहले 100 बार दोहराई है कि मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मेरे घर जाने दो। एंड उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। और जैसे मैंने सलमान सर को बोला दैट आई वांट टू गो होम, उन्होंने कहा कि तुम हिम्मत वाली लड़की हो, तुमको हिम्मत दिखानी चाहिए, तुम एंटरटेन करो लोगों को। बट मेरे हिसाब से मैंने जो किया ठीक किया, और अगर किसी को लगता है गलत किया तो आई डोंट नो। क्योंकि अगर सलमान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि एविक्ट करके भी ये लोग मुझे वापस घर में भेज रहे थे, और मेरा एविक्शन सब फर्जी था। पता नहीं क्यों मुझे बार 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 ये घर के अंदर जाने पर मजबूर कर रहे थे। ये सब चीज़ें मैं अभी जाके मीडिया से बात करूंगी, बट अब्यूजिंग समवन सो बैडली अबाउट देयर फैमिली एंड केयर इज़ नॉट कूल। अब्यूजिंग मेरे पास और कोई चारा नहीं रह गया था। मैं क्या करती उस घर में, बार बार आपको उस घर में भेजा जा रहा है विक्ट होने के बाद भी, अब क्या करोगे? मेरी इतनी तबीयत खराब है, अभी मेरे पास डॉक्टर्स मेरे आए हुए हैं, मेरे गायनेकोलॉजिस्ट आए हुए हैं। अब वो जब दिखाएंगे, मेरी रिपोर्ट्स दिखाएंगे, अंदर घर के अंदर सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा था, आपको और कोई ढंग का डॉक्टर नहीं दे रहे थे। बिग बॉस ये बोल रहे थे लोनावला होने की वजह से आपको डॉक्टर अभी नहीं, वेट करो वेट करो। मैंने तो मनु पंजाबी की दवाइयाँ खा के भी 2 दिन निकाले हैं, बट मेरी तबीयत सच में ख़राब थी। इस वजह से मैंने, अगर वो कहते हैं तुमने निकाला है, उन्होंने निकाला है, कोई बात नहीं, उनको कहने दो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी। और उस घर में एक एक मिनट मेरे लिए जहर बन गया था, मैं जी नहीं पा रही थी, मेरा मरने वाली हालत हो गई थी। तो मुझे उस घर से निकलने के लिए या तो कुछ तोड़फोड़ करनी थी या मुझे कुछ कहना था। वो लोग नहीं निकालते मुझे ऐसे, उस घर से निकलना मेरा एक टारगेट हो गया था कि मुझे निकलना है उस घर से, चाहे जो भी हो जाए। और बेइज्जती बदतमीजी आई डोंट केयर, अगर उसने करना है उसने एडिट करना है सब कुछ। पहले हफ्ते में भी उन्होंने यही किया था, सब कुछ एडिट किया था। और सलमान सर क्या अगर कहते हैं कि उन्होंने किकआउट किया, तो उनको शायद उन्होंने नहीं दिखाया होगा कि मैंने उनको बोला था कि सर प्लीज़ लेट मी गो, आई वाना गो होम, आई वाना गो होम बिग बॉस, आई वाना गो होम, लेट मी गो होम। तो इट्स गुड इफ माई एंड इज़ वेल, मुझे घर आना था, मैं आ गई। अब चाहे जो मर्जी बोले, मीडिया बोले, क्या बोले, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं सेलेब नहीं हूँ। जो सेलेब है वो अंदर बैठे हैं, सो सारा एरिट होता है शो। अच्छा है, ठीक है, जो वो दिखाना चाहते हैं वो दिखा देते हैं, इनके लोगों की मर्जी है, बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस गेम एनी मोर। और मैंने बहुत बड़ी गलती करी, सलमान सर को बोला कि मुझे सीक्रेट रूम से अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। सीक्रेट रूम से मेरा जाना अंदर मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा। सीक्रेट रूम से की जर्नी से लेके कल दोपहर तक की जर्नी, जब सलमान सर उसलिए भी मेरे से गुस्से हुए क्योंकि उनका बर्थडे था, उन लोगों का सरप्राइज से एक डांस था। मेरे में हिम्मत नहीं थी डांस वांस करने की, मैंने सर को बोला मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने बोला घर का हर सदस्य सहयोग करेगा, मैंने बोल दिया कि मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ, प्लीज़ लेट मी गो। तो मेरे हिसाब से मैंने जो किया शायद ठीक किया, अगर मुझे मरना नहीं था उस घर में। कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। और आई गेस आई नेवर, इट्स बीन 4 वीक्स आई बीन
I was very good to everyone, but in the end, I had to do it to make myself better and to come back home. कल भी वो लोग मेरी टिकट नहीं दे रहे थे दोपहर तक, शाम तक कि नहीं आप रुको, आप सोचो, आप डिसीजन लो. बट जब मैंने डिसीजन ले लिया, आई से आई वांट टू लीव राइट नाउ, तो मैं फिर उस घर में दोबारा भी नहीं गई. और बाय द वे, रबी जकब, दैट्स वाई माई हस्बैंड इज़ ऑलवेज विद मी. जिस औरत के साथ उसका पति होते, इसलिए उसको दुनिया की परवाह नहीं होती. तो जो मुझे जानता है उसको पता है मैंने ये सब क्यों किया होगा, जो मुझे जानता ही नहीं है उसको मैं क्या सफाई दूँ. और अपनी ज़िंदगी को मैं दाँव पे नहीं लगा सकती किसी के लिए भी. मुझे मेरी ज़िंदगी हर उस ज़िंदगी से बेहतर लगती है जो मेरे पास है.